छतरपुर में किसान यूरिया खाद न मिल पाने से परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा व्यापारियों की मनमानी के चलते किसानों को मनमर्जी कीमत पर खाद दी जा रही है, जिस पर प्रशासन ने व्यापारियों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में खाद जब्त कर ली है। छतरपुर में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है और किसानों द्वारा लगातार यूरिया खाद की खरीद में व्यापारियों द्वारा मनमर्जी कीमत पर खाद देने की शिकायतें की जा रही हैं। वहीं छतरपुर की घुबारा में किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने खाद दुकानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें पाया गया कि खाद व्यवसायी सुखानंद जैन अपनी दुकान में निर्धारित मूल्य से 50 रुपए से भी अधिक पर बोरी किसानों से वसूल रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में यूरिया को जब्त कर लिया और दुकान सील कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद खाद व्यवसाय में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। वहीं तहसीलदार ने पंचनामा बनाकर रिपोर्ट कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंप दी है। शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, जिसमें ये सुखानंद जैन खाद विक्रेता निर्धारित रेट से अधिक, शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उससे अधिक रेट पर विक्रय कर रहे थे। मौके पर हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जो किसान था उसके द्वारा बताया गया कि 266 की जगह 340 रुपये में बोरी दी गई। इसके अलावा अन्य कुछ किसान थे जो कल मेरे पास आए थे और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भी इनके द्वारा लगभग 350 रुपये में यूरिया की बोरी दी जा रही थी। उसी के संबंध में हमने आज जांच की गई। जांच में यह पाया कि इनके द्वारा निर्धारित रेट से अधिक यूरिया का विक्रय किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।